बड़ी खबर आ रही है और बिहार विधानसभा से ये बड़ी खबर। बिहार विधानसभा अध्यक्ष विजय सिन्हा ने इस्तीफा देने से इनकार कर दिया है। बिहार विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि जो उन्हें नोटिस दिया गया वो नियमों प्रावधान के खिलाफ था। विजय सिन्हा ने विधानसभा सचिवालय की तरफ से जो नोटिस भेजा गया उसे लेने से यानी उसे रिसीव करने से भी इनकार कर दिया। विधानसभा अध्यक्ष के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव के नोटिस को नहीं लेने और अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने से इनकार किए जाने के बाद विधानसभा का सत्र हंगामेदार होने के आसार है। तो विजय सिन्हा ने नोटिस लेने से इनकार किया। उन्होंने कहा नियमों के खिलाफ है ये, मैं अध्यक्ष पद से इस्तीफा नहीं दूंगा। तो बिहार विधानसभा के अध्यक्ष का इस्तीफे से इनकार। अब आसार ये है कि विधानसभा का जो सत्र शुरू होगा वो हंगामेदार होगा। इस्तीफा देने से इनकार कर दिया है विजय सिन्हा ने। विधानसभा सचिवालय ने उन्हें जो नोटिस भेजा था उसको रिसीव करने से उन्होंने इनकार कर दिया, उसको लेने से उन्होंने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा नियमों के खिलाफ है, मैं इस्तीफा नहीं दूंगा। तो अब अगला कदम क्या होगा? तो स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव, विजय सिन्हा का इस्तीफा देने से इनकार। प्रकाश कुमार ज्यादा जानकारी लिए हुए इसी खबर पर हमसे जुड़ रहे हैं। प्रकाश, विजय सिन्हा ने तो इस्तीफा देने से इनकार कर दिया है, अब कैसे समझे, अब आगे क्या? ये अपने आप में बहुत बड़ी खबर है। विजय सिन्हा जो विधानसभा के अध्यक्ष हैं, जिनके खिलाफ में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, उन्होंने इनकार कर दिया है इस्तीफा देने से। इस्तीफा देने से तो पहले भी इनकार हुआ था या उन्होंने कुछ नहीं कहा था, लेकिन ये पहली बार है जो उन्होंने साफ तौर पे स्पष्ट कह दिया है कि ये इस्तीफा नहीं देने वाले। और उसका उसके पीछे जो वजह बताई है वो बड़ी वजह है कि अविश्वास प्रस्ताव जो लाया गया था उसके लिए जो नोटिस दी गई थी उस नोटिस पर उनको भरोसा नहीं है, क्योंकि उस नोटिस में ये कहा गया था कि जो नियम है, जो व्यवस्था है, कि जो नियम है, जो व्यवस्था है उसके खिलाफ है, प्रावधानों के खिलाफ है, इसलिए उन्होंने नोटिस ही लेने से इनकार कर दिया। तो जाहिर है कि जब नोटिस ही उन्होंने नहीं लिया तो अब संवैधानिक स्थिति पैदा हो गई है कि क्या अगर विधानसभा के अध्यक्ष विजय सिन्हा इस्तीफा नहीं देते हैं, जिसका कि ऐलान उन्होंने कर दिया है, तो अब संविधान क्या कहता है? ऐसे में क्या राज्यपाल के पास जो अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है उसके बारे में सरकार जाएगी, राज्यपाल के पास गुहार लगाएगी कि अगर विधानसभा अध्यक्ष इस्तीफा नहीं देते हैं तो ऐसे में विधानसभा के अंदर कल जब 11 बजे शुरुआत होगी विधानसभा की, तो क्या यही अध्यक्ष बैठेंगे? जैसा कि उन्होंने इस्तीफा से इनकार कर दिया है तो प्रकाश, है प्रकाश क्या आपको लग रहा है ये पूरा मामला कोर्ट भी पहुंच सकता है? अगर राज्यपाल की पावर से ये जो पूरा मुद्दा है बाहर का माना जाए तो क्या ये पूरा मसला आप कोर्ट पहुंचते हुए भी देख रहे हैं? क्या संभावना? बिल्कुल बिल्कुल, ये मामला ना सिर्फ राज्यपाल के पास जाएगा, अगर वहाँ नहीं सुलझा तो हो सकता है कि सरकार जो है वो अदालत का दरवाजा खटखटाए। लेकिन क्योंकि विधानसभा का मामला, हम इस वक्त बिहार विधानसभा के सामने खड़े हैं और इसके अंदर ही विधानसभा अध्यक्ष थे अब से कुछ देर पहले, जो दर्शकों को बता दें कि विधानसभा अध्यक्ष ने प्रेस सलाहकार समिति की बैठक की और उस बैठक में मैं भी मौजूद था, और जब हमने सवाल किया कि क्या होगा उनका फैसला अविश्वास प्रस्ताव पर, तो उन्होंने दो पन्ने का ये लिखित बयान उन्होंने पढ़ा और इस बयान में उन्होंने साफ तौर पे लिखा है कि वो दायित्वों के साथ जब तक बंधा हूँ तब तक व्यक्तिगत सम्मान के ऊपर लोकतांत्रिक न्याय की गरिमा को संरक्षित और सुरक्षित रखना मेरा कर्तव्य है। एक तरफ व्यक्तिगत बात भी कह रहे हैं और आस्था की बात कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने ये भी लिखा है कि इन तथ्यहीन आरोपों के बीच यदि मैं त्यागपत्र देता हूँ तो यह न केवल व्यक्तिगत निष्ठा और आत्मसम्मान के विरुद्ध होगा बल्कि संसदीय परंपरा के किए गए आक्षेप पर चुप रहने वाली बात भी होगी और विधानसभा अध्यक्ष के रूप में मेरे विरुद्ध लाए गए अविश्वास प्रस्ताव का प्रतिकार करते हुए इस्तीफा नहीं दूंगा। ABP News आपको रखे आगे।